हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बनाएंगे सुखड़ी। ये एक ट्रेडिशनल गुजराती स्वीट है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ पापड़ी भी कहते हैं। ये गुड़ से बनने वाली बहुत स्वादिष्ट मिठाई है। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप घी, एक कप गेहूं का आटा, आधा कप गुड़, 8 से 10 पिस्ता और 1 चम्मच मलाई। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करके उसमें घी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करते जाएंगे। हमें आटे को अच्छी तरह से घी में सेक लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि हमारा आटा जले नहीं। यहाँ पर आटा थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसलिए मैं 1 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। हमें ऐसे ही चम्मच से चलाते हुए आटे को हल्का ब्राउन होने तक सेक लेना है। ये स्वीट आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हो। और इसमें यूज़ होने वाली सामग्रियां जैसे गेहूं का आटा, घी और गुड़ भी घर पे अवेलेबल रहते ही हैं। हमें इसे सेकते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें से अब घी अलग हो रहा है और ये सेकने में भी बहुत हल्का लग रहा है। हम इसे 1-2 मिनट के लिए और सेक लेंगे। अब इसका कलर भी हल्का सा ब्राउन लग रहा है, इसका मतलब कि हमारा आटा अच्छे से सिक गया है। अब गैस की फ्लेम ऑफ करके हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और बस 2-3 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हो। हमें गुड़ को अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये मिश्रण जमने लगेगा, हम इसमें 1 चम्मच मलाई ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने घर की मलाई ऐड की है। अगर आप चाहो तो पैकेट का फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। मलाई डालने से सुखड़ी बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनती है। अब सेट करने के लिए हम इसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर आप थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमें इसे 1 चम्मच से या कटोरी से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सेट कर लेना है ताकि ऊपर कोई क्रैक नहीं रहे। अब हम पिस्ता से इसकी गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अनसॉल्टेड पिस्ता लिया है। अगर आप चाहो तो बादाम भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे कट कर लेंगे। आप अपने पसंद से छोटे या बड़े पीसेस कट कर सकते हो। अभी हमारा मिश्रण बहुत गर्म है, इसलिए ये सॉफ्ट दिख रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा हो जाएगा, इसके पीसेस बहुत अच्छे से निकल आएंगे। कट करने के बाद हमें इसे 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद देखिए, अब हमारी सुखड़ी बिल्कुल रेडी है और इसके पीसेस भी कितने अच्छे से निकल आए हैं। मैं आपको एक पीस कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी सॉफ्ट भी बन गई है। तो देखिए, अब ये सुखड़ी सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे 15-20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।